गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट किया है, बाकी प्रीवियस चैप्टर मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। रिएक्शन इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस एंड केमिकल रिएक्शंस क्या, नॉन बैलेंस क्या होती है। आज हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, एंड और क्या करेंगे, और करेंगे हम लोग व्हाट इज दैट, ये क्रोजन एंड रैंसिडिटी करेंगे। ठीक है, सो ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिनिश करते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन करवा दूँगी आपको। ओके, चलो फिर करते हैं। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ही क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ही क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। और रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस का मतलब तो आपको समझते ही होंगे ना, रिड्यूस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रही है। अब रिडक्शन में कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हो रही हो रहा होगा ना, है ना, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है छोटी सी, देख लो। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लो, उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर डाल दो। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे उससे, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्व करोगे चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, बड़ा करूँ, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, वायर गॉज क्या किस लिए होती है, जिसके ऊपर आप चाइना डिश रख सकते हो, डायरेक्ट बर्नर के ऊपर थोड़ी ना रखोगे। ये आ गया स्टैंड के ऊपर ना, एक वायर का ना, एक प्लेन सी जो मुनी जाली नहीं होती, जाली से बनी होती है ये वायर गॉज जाली से बनी होती है। ठीक है ना, ये जाली से बनी होती है ये वायर गॉज। नीचे बर्नर लगाया और उसके ऊपर चाइना डिश रखी। ठीक है, ट्राइपॉइड स्टैंड, ये ट्राइपॉइड स्टैंड होता है, ट्राइपॉइड मतलब तीन टांगों वाला पॉड। ठीक है, और ये आपका आ गया बर्नर, है ना। तो ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, द सरफेस ऑफ द कॉपर बिकम कोटेड, ये जो सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर है बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड होता है, बीच में आयन रिलीज होते हैं उसकी वजह से सेकेंड लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, इसलिए ये सेकेंड आता है। जब एक्साइटेशन वगैरह होती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, ओह आप तो 10th क्लास में हो, भूल गई मैं तो आप नाम याद रख लो बस। ठीक है, 11th 12th में करना ही है, अभी आपके काम का नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है ना, सो व्हाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है, दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज ऐड टू द कॉपर। क्योंकि अच्छा, कॉपर की सरफेस को रस्ट लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है कॉपर में। ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं उसको। तो ये जो ब्लैक सरफेस कॉपर के ऊपर आ जाती है उसको बोला जाता है, क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मूला है, और सिर्फ एक ही रिएक्शन थोड़ी ना देनी है ऑक्सीडेशन वाली, अभी और भी हैं, अभी फ़िलहाल के लिए तो फ़िलहाल हम लोग एक ही देख रहे हैं। तो ये आपकी आ गई एग्जाम्पल, ये आपकी आ गई कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर को जब ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है ना, तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या कर रही थी मैं, हाँ तो ये कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन आता है कॉपर ऑक्साइड, तो इसको ज़रा बैलेंस कर लो। ठीक है ना, कर लो इसको बैलेंस, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ गया। ओके, तो इफ़ द हाइड्रोजन गैस, अगर हम लोग गलती से क्या, खुद ही करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस अगर हम लोग पास कराएं ड्यूरिंग द हीटिंग मटेरियल, ठीक है ना, जब वो हीट हो रहा है, कॉपर जो है वो हीट हो रहा है, तब अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास करवा दी, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस पता ना कैसे पास करवाते हैं, किसी बॉटल में होती है, कोनिकल नहीं, राउंड बॉटम फ्लास्क में होती है, उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है अच्छे से, तो उसके ऊपर ना प्लास्टिक का वो लगा होता है, प्लास्टिक की पाइप लगी होती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, और यहाँ पे ना वो लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। इससे हम लोग जब इसको ओपन करते हैं, ऐसे ऐसे करके गोल घुमाते हैं,
तो ये गैस ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब अंदर बाहर आ सकती है, जैसे नलके वाला काम होता है, नलका काम नहीं करता है, है ना, टैप्स वगैरह काम करते हैं वैसे काम करता है ये, ठीक है, वैसे ही काम करते हैं। सो इफ़ द हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर द हीटिंग मटीरियल CuO क्या कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन, वो ब्राउन हो जाती है, जब हम लोग हाइड्रोजन पास करवाएंगे तब ये ब्राउन हो जाएगी एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसे इससे क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जब हम लोग हाइड्रोजन पास करवाएंगे तो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन मतलब छोड़ के चली जाएगी उसको, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। देखो ध्यान से, टू सी यू ओ पॉजिटिव ओ गिव्स हीट करके, जब हम लोग हीट करेंगे तब की बात कर रहे हैं, टू सी यू ओ होगा, लेकिन इसको रिवर्स कर देंगे जब हम लोग सी यू ओ में एच टू प्लस हीटिंग, तो ये वापस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यू प्लस एच टू ओ करके ऑक्सीजन अलग हो जाएगा पानी के साथ, तो कॉपर अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रही है, ये भी ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है, नहीं नहीं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है, ये रिडक्शन हो गई, यहाँ पे रिड्यूस हुआ, ठीक है ना। सो इफ़ द सबस्टांस यहाँ पे रिड्यूस हो गया ना, रिडक्शन भी हो रही है ना, ऑक्सीजन को भी हम लोगों ने रिड्यूस करवा लिया, तो फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ, इफ़ द हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटिंग मटीरियल CO2, द ब्लैक कॉपर कोटिंग इन द सरफेस टर्न ब्राउन एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस है ना, कॉपर इज ऑब्टेन, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी। इफ़ अ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा ऑक्सीजन, एक सबस्टांस जो है वो गेन करेगा ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज़ सेट टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है, इट इज़ सेट टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गई है, ठीक है। कोई सबस्टांस अगर गेन करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड इफ अ सबस्टांस, ये लाइन अंडरलाइन कर लो भाई, ये डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, इफ द सबस्टांस लूज ऑक्सीजन, इफ अ सबस्टांस क्या कर रहा है, क्या करता है, लूज ऑक्सीजन करता है, ठीक है, तो इट इज़ सेट टू बी रिड्यूस, ठीक है, इट इज़ सेट टू बी रिड्यूस, इट इज़ सेट टू बी रिड्यूस। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होता है, तो कॉपर कौन सा वाला, सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड मतलब यही है, ये सेकेंड से डरना नहीं यार, ये बीच के आयन्स होते हैं, आगे पीछे जा रहे होते हैं, तो वो आयन्स होते हैं जो बचे होते हैं, इसलिए उनको रखते हैं, जो ये नहीं लिखते हम लोग टू पॉजिटिव वगैरह ऐसे ऊपर करके नहीं लिखते पॉजिटिव नेगेटिव, ये वही है, ठीक है, इससे नहीं डरना। इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज़ बींग रिड्यूस्ड, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड बींग रिड्यूस हो रही है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इज़ बींग ऑक्सीडाइज, जब हाइड्रोजन गेन हो रहा है, गेन मतलब हाइड्रोजन आ रहा है तो ऑक्सीजन जा रहा है ना। सो इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब मैं तो आपको ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन दे रही हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है व्हेन अ सबस्टांस क्या करता है, गेन ऑक्सीजन, ठीक है ना, व्हेन अ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड, इट इज़ ऑक्सीडाइज एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, एंड द इसके आगे लिख दो, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कौन सी वाली, ऑक्सीडेशन, ओ ऑक्सीडेशन डेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन में एक और वाइस वर्सा एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन द हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन रिड्यूस की बात कर रही हूँ, गेन की बात नहीं कर रही, ठीक है। इफ़ द सबस्टांस इज गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो भी ऑक्सीडेशन होती है, और इफ़ द सबस्टांस इज लूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है, तो सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अगर इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलेंगे तो लॉस ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होता है, इफ द सबस्टांस लूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज, अगर आपको दो डेफिनेशन नहीं याद रहती हैं तो एक ही करो फिर चुप करके, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखना, अगर नहीं रहता है छोड़ दो, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो छोड़ दो उसको, ठीक है ना, ज़्यादा ना जोर नहीं डालना सर पे, क्योंकि आपका सिलेबस में इतना ही है, जितना है उतना करो, उतने में आपको 100 out of 100 भी ला सकते हो अगर आप सारा सिलेबस लर्न कर लेते हो, एंड 90 से अबव तो कहीं नहीं गए, ठीक है, इतना मैं कह सकती हूँ आपको, तो अगर नहीं होता तो रहने दो, अगर हो जाता है याद तो रख लो,
सिंपल, मेरा काम है बताना, ठीक है। तो इफ द सबस्टांस लूज कर रहा है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, वो उसको रिडक्शन बोल दिया, तो द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। अब गेन भी तो कर रहा है ना हाइड्रोजन, तो इफ द सबस्टांस इज गेनिंग हाइड्रोजन इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगेन हाइड्रोजन को गेन किया, ऑक्सीजन को लूज किया, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन किया, हाइड्रोजन को लूज किया, ठीक है। और जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसका कंबाइंड नेम, इसका कंबाइंड नेम ऑक्सीजन और रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्स एंड रिडक्शन का आर ई डी ले लिया, तो ऐसे करके ऑक्स रेड अच्छा नहीं ना लग रहा था, ऑक्स रेड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसको आर ई डी ओ एक्स बोल दिया। ऑक्स रेड अच्छा नहीं ना लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा था देखने में, सुनने में, इसलिए इसको ऑक्स रेड नहीं बोला, इसको बोल दिया रेडॉक्स। रेड, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया। जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में, या मेरे आसपास ज़रूरी करना होता है टी टी, बेवकूफ मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। चलो फिर एग्जांपल, ओ माय गॉड, फटाफट बंद ही नहीं होता यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ। अगर थोड़ा पता क्या करना पड़ता है, ये जो है ना, ये ब्रश वाला बटन है ना, ब्रश वाला बटन अगर मैं प्रेस करती हूँ नहीं, तो वो वाला वो काम नहीं करता, ये जो ऑन ऑफ करने वाला बटन काम नहीं करता ईजी, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, इसलिए दूर से भी आती है, मुझे फटाफट टक 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 करना पड़ता है, तो पेन भी इतनी जल्दी काम नहीं करता। अब गैजेट भी बेचारे क्या करें, हमारी इंसानों की स्पीड को ये भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, सी यू ओ हो गया, एच टू हो गया, सी यू एच टू हो गया। अभी क्या है रिडक्शन, सी यू एक साथ ले लो, इसके साथ हाइड्रोजन भी लिख लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, सी यू अकेला हो गया और हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो ये प्लस एच टू हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रही है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे सी यू के साथ रिडक्शन हो रही है एंड एच टू के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है ना। एच टू के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, एच टू जो है वो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है, कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ में, एंड सी यू रिडक्शन हो रही है सी यू के साथ, ठीक है, उसका साथ क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे देख लो। अब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव सी ओ प्लस जेड एन, सी ओ क्या है, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड है ये। उसके बाद यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ओ गायब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओ गायब हो रहा है, आया 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 आया, चलिए कम था शोर इसका, इसका शोर कम था, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, बताओ बताओ, यहाँ पे, यहाँ रिडक्शन हो रही है ना बेचारा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे H2O के साथ, O कहाँ पे जा रहा है, ऊपर से वही जा रहा है ना, हाइड्रोजन 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 के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, ये H है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है, सॉरी रिडक्शन। सो इसी के साथ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट का ही थोड़ा सा पढ़ लो। तो रिएक्शन जो है वो 1.31 जो है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू सी ओ एंड जेड एन ओ इज रिड्यूस टू जेड, ठीक है ना। सी ओ जो है वो जेड एन ओ में रिड्यूस हो गया, सो इन रिएक्शन ये हो गया, इन रिएक्शन 1.3 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू सी ओ एंड जेड एन ओ इज रिड्यूस टू जेड एन, है ना। इन रिएक्शन 1.32 एच सी एल इज ऑक्सीडाइज टू सी एल टू क्लोरीन एंड एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन Cl2. So from the above example we can say that if the substance gain oxygen or lose oxygen during the reaction, हर जगह शोर ही शोर है। If the substance lose oxygen and gain hydrogen during the reaction, it is reduced. So finally आपको पता चल गया है ना, चार पांच वाली सेम ही। So now you get the answer, ठीक है, चले गए अब। From the above example we can say that if the substance gain oxygen or lose hydrogen during the reaction, जो मैं बोल रही थी देखो आ गया है ना, it is oxidized, and if the substance lose oxygen and gain hydrogen during the reaction is reduced, खत्म, बात खत्म।
तो समझ आ गई आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आई होप समझ आ गई होगी अच्छे से, है ना। तो ये रिकॉल द एक्टिविटी है व्हेन द मैग्नीशियम रीबन बर्न करती है डेजलिंग फ्लेम एयर्स के साथ, वही वाली पुरानी वाली है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही वही पुरानी वाली जो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही करते हैं यार बच्चों वाली। हाँ अब मुझे बच्चों वाली पता क्यों बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में यही करे जा रहे हैं, नाइन्थ में भी सबसे पहले यही डाली थी इन्होंने, अब तो आपको रटा बज चाहिए, ठीक है ना, गाड़ी आ जाती है क्या करूँ। हैव यू ऑब्जर्व दैट नाउ, नया 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 टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है ठीक है इस चैप्टर के, क्या है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन डे टू डे लाइफ में कभी नोटिस की है ना, रस्ट लगती है ना, क्रोजन होती है ना, रस्ट क्रोजन क्या होती है नहीं पता, रस्ट लगती है ना, ये आपके सोने पे तो नहीं लगती लेकिन जंग लगती है ना, जंग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रोजन, अरे बापरे ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोजन बोलते हैं। तो चलो फिर क्रोजन पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे क्रोजन क्या होता, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस है। तो क्रोजन क्या होता है, वी मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी, हमें पता है आयरन आर्टिकल शाइनी रहते हैं व्हेन न्यू, जब वो नए होते हैं तब, चलेगी छोड़ो, व्हेन बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है वो रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ कोट हो जाते हैं जब उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्ट लग गया भाई, जंग लग गई आयरन को, लोहे को जंग लग गई, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल गेट टर्निश्ड, टर्निश इन दिस मेटल, और भी मेटल्स होते हैं जो टर्निश हो जाते हैं, जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है ना। सो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर, आपने कभी नोटिस किया है कॉपर और सिल्वर के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आती है, येस ऑब्वियसली, तो अभी बताया मैंने कॉपर के ऊपर ग्रीन एंड सिल्वर के ऊपर ब्लैक, ठीक है ब्लैक कोटिंग। सो व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इन सच अ मॉइस्चर के साथ या फिर किसी और एसिड के साथ, ठीक है ना, के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इट इज सेड टू बी क्रोड, उसको बोलते हैं क्रोड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन, इसको बोला जाता है क्रोजन, एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर की एंड ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर के ऊपर, एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन, यही है अदर एग्जाम्पल क्रोजन की, ठीक है ये अदर एग्जाम्पल है क्रोजन की, ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर, ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर, ये क्रोजन की एग्जाम्पल्स है। अच्छा क्रोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, क्रोजन से क्या होता है कार बॉडीज में डैमेज लग जाता है, ब्रिजेस आयरन रेलिंग शिप्स एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स जो बने होते हैं उनके ऊपर क्रोजन लग जाती है ना, स्पेशली जो आयरन से बने होते हैं उनके ऊपर। तो क्रोजन ये वाला क्रोजन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से टॉपिक है, एसिड एंड बेस में भी है, तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 3 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्रोजन उस चैप्टर में, ठीक है ना। स्पेशली जो अच्छा क्रोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, क्रोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है, एंड एवरी ईयर इज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग एंड द डैमेज ऑफ द एयर, आया ओके, सो एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी जो होती है इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, सो वी विल लर्न इन द चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या रहती है, ये भी ऑक्सीडेशन के रिलेटेड ही है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यार ये जा क्यों नहीं रहा। सो हैव यू एवर टेस्टेड द स्मेल्ट, कभी आप लोगों ने स्मेल ली है जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं जब वो ज़्यादा देर तक रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उसकी कभी स्मेल लेने की कोशिश की, व्हेन द फैट आर ऑक्सीडाइज, व्हेन द फैट एंड ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब कोई फैट और ऑयल जो है वो खाने के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम क्या बोलते हैं रेंसिड क्या होते हैं, दे स्मेल एंड टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, गंदा टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो सबस्टांस ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं खाने को उसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, मतलब जिस खाने में फैट एंड ऑयल डला होता है, आपके चिप्स के पैकेट ले लो आपके, या फिर और कोई पैकेट ले लो जिसमें फैट एंड ऑयल होता है, जैसे कि आपका अचार भी हो गया,
ठीक है ना, अचार हो गया या और कोई चीज़ें होगी जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं खाने के लिए, तो उनमें क्या डाले होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं. क्या डाले होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू शो स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन. अगर उसको एयर टाइट कंटेनर, कोई भी खाने की चीज़ जो है उसको एयर टाइट कंटेनर में अगर हम लोग डाल के रखेंगे, वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी. अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि खोली तो है कहीं ना कहीं आपने. एयर टाइट रहे तो फिर तो काफ़ी देर तक चलेगी, लेकिन उसको खोल के खाना भी तो है ना. चिप्स खोल दिया तो वो तो अब खानी पड़ेगी. हाँ, ये है कि अगर आपके पास पूरा पैकेट दूसरी तरह से बंद करने का एयर टाइट कंटेनर में रखी है तो थोड़ी देर के लिए प्रिवेंट रह जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन आ जाती है तो उसमें थोड़ा फ़र्क तो पड़ ही जाता है. फ्रेश में और उसमें तो फ़र्क पड़ता ही है ना. सो हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, एयर टाइट कंटेनर हेल्प करते हैं खाने को स्लो डाउन उसकी ऑक्सीडेशन में. सो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं यूज़ फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स, मतलब फुले हुए पैकेट होते हैं, ठीक है, विद गैस सच एज नाइट्रोजन करती है, प्रिवेंट करती है चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो नाइट्रोजन गैस जो होती है प्रिवेंट करती है चिप्स को ऑक्सीडेशन पे, ठीक है ना. तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है. चलो एक थोड़ा सा ना वो कर लेते हैं, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आइए. वाई शुड, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन. वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द एयर, बिफोर बर्निंग इन द एयर. मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना पड़ता है जब हम लोग ये रिएक्शन करानी होती. सो वाई शुड मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना पड़ता है, इसका आंसर तो आपके पास भी है ना, कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन डायरेक्टली हम लोग एयर के साथ कंटेक्ट में, मतलब बर्न करना शुरू कर देंगे तो ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बनी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ थोड़ा थोड़ा पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैं पढ़ लेती हूँ कि मैग्नीशियम गेट बी कवर्ड विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर पहले से ही जमी होती है, तो अगर हम लोगों को प्रॉपर रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है. चलो फिर नेक्स्ट पे आता है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन दो. तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या रहता है, H2. क्लोरीन का क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन अकेले के लिए नहीं लिखते, ठीक है ना, तो इनको हम लोगों ने कंबाइन करके ही लिखना पड़ता है. तो इसका तो सिंपल सा, इसको तो बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा, इसको तो डायरेक्टली आप HCl लिख सकते हो, ठीक है. तो ये बैलेंस इक्वेशन है इसकी. नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला दो, BaCl2, ठीक है. एल्युमिनियम सल्फेट का AlSOAl2SO4 3, ठीक है, ये होता है इसका Al2SO4 3 times. तो इसने क्या किया, बेरियम सल्फेट बनाएगा. अभी सल्फेट जो है वो इसके पास चला जाएगा, बेरियम क्लोराइड Cl2 प्लस एल्युमिनियम Al2SO क्या आता है 4 9 3 gives ये बेरियम के पास चला जाएगा, ठीक है, और एल्युमिनियम के पास क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना. तो चलो फिर क्या आएगा, BaSO4 लिखा हुआ है यार ऊपर, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है. अब इसको बैलेंस करो, ज़रा करो बैलेंस. बेरियम जो है वो कितना है, बेरियम हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन कितने है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई. अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे, एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है. अब यहाँ पे इसको 2 बनाने पड़ेंगे ना, तो एल्युमिनियम से ही स्टार्ट करते हैं. तो एल्युमिनियम को अगर हम लोग 2 बनाते हैं तो क्लोरीन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 क्लोरीन बनाने के लिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक. और ऊपर सल्फर, ये जो है ना सल्फेट, ये भी 3 टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बैलेंस हो गई. SO3 कैसे बैलेंस हुई, SO4 है यहाँ पे, SO3 BA, ये भी आ गया ना, यहाँ पे भी 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है, ओके. मैंने कहा ना आप सीधा भी कर सकते हो, और अगर आपसे सीधा नहीं होता तो डब्बा बना लो, फिर बॉक्स बना लो, ठीक है, बॉक्स बना लिया करो, ठीक है, चले आगे. चलो तो अब नेक्स्ट है सोडियम. सोडियम क्या होता है, Na प्लस वाटर H2O गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, करो उसको बैलेंस. H2 क्या करता है, उड़ जाता है, मतलब ऊपर उड़ गया, एरो डाल दो, उड़ गया. तो सोडियम और H2, H हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, 4 बना देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे भी चार हो जाएंगे ऑक्सीजन, हो जाएंगे दो, दो ऑक्सीजन पूरे हो गए, सोडियम को भी दो कर दो, ये आ गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ आई? चलो और आगे चलो। तो ये लास्ट में क्वेश्चन है, वही मैं सोच रही थी इसी को करा देती हूँ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबलाइजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड BaCl2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आना है आपके पास बेरियम सोल्यूशन ऑफ, है ना, एक्वस आएगा ये। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट NaSO क्या है, 4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है। इसने दिया हमको क्या दिया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सॉल्ट NaCl। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो सोडियम हमारे पास दो हैं, यहाँ पे टू कर लो इसको, Cl2 हो गया बैलेंस, सिर्फ एक ही नंबर से हो गया बैलेंस। ठीक है, एंड ये लास्ट में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, NaOH पानी के अंदर, ये भी एक्वास है। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ तो क्या मिलता है, सोडियम अलग हो जाता है, NaCl सॉल्ट अलग हो गया प्लस पानी अलग हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके, और भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे अंदर, बहुत सारे तो हैं, करोगे आप लोग ट्राई? करोगे आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं आएंगे तो आप मेरे को प्लीज़ मैसेज में लिख देना। ठीक है, इसी के साथ मैं ये चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे है कुछ काम का, वाई डिड कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन दैट। तो आयरन नेल डिप्ट वो क्या कर लेता है, इसका रीज़न हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था इसका रीज़न कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कॉपर उसका क्या ले रहा है, कॉपर ने उसका वाला जो वो लेता था सल्फेट था वो ले लिया उसने, और उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसकी रीज़न ऊपर लिखी हुई है एक्टिविटी में। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी, बहुत सारी हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी अभी कुछ व्हीकल कुछ ज़्यादा ही शोर करके जाते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे अभी अभी की ना हम लोगों ने, कितनी सारी तो अभी की, उसमें से कोई भी लिख लो। ठीक है, आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज, कौन सा वाला सबस्टांस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो काली है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है ऑक्सीडाइज। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये कौन है, यहाँ पे यहाँ से रिडक्शन हो रही है, CO जा रहा है इसमें से, है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो बस करते हैं। सो इसी के साथ मैं आपकी क्लास ख़त्म कर रही हूँ। टेक्सचुअल क्वेश्चन, यार टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो अगर आपको कराने होंगे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी, अगर आपको करवाने होंगे तो मैं करवा दूँगी खुशी खुशी, बस एक बार ही मैसेज कर देना मेरे को, कमेंट में बता देना। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके, मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, वरना मैं चैनल बंद कर दूँगी। वैसे भी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो मैं टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि चलो ठीक है, देखते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड एसिड बेस नया चैप्टर लेके आऊँगी कल। ओके, सो बाय बाय, टाटा।